हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ टीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ है। आम आदमी पार्टी यानी आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बता दें कि मार्च में गवर्नर ने इस बिल के विधानसभा में पास होने के 131 दिनों के बाद मंजूरी देने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। वारिस पंजाब दे के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के सबसे करीबी साथी पप्पल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे अमृतसर के कथुन नगल से पकड़ा गया है। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया है कि पप्पल प्रीत पर एनएसए लगाया गया है। उसे डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाएगा। उस पर पहले 6 केस दर्ज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी समिति ओवर सीरीज के लिए अपने कोचिंग स्टाफ की घोषणा की है। पीसीबी ने ग्रैंट ब्रेडबर्न को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मेस टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। वहीं साउथ अफ्रीका के एड्रियो पेटिक को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,880 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,481 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 35,100 और पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो गया है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और टेस्ला, ट्विटर और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट पर फॉलो किया है। अभी मस्क पूरी दुनिया में केवल 194 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल है। पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे ने टेक्निकल ग्लिच के चलते कुछ यूजर को 10 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1,000 अमेरिकी डॉलर करीब 818 रुपए से लेकर 81,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बारे में लोगों ने खुशी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया है। हालांकि लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। चीन से अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते विवाद के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल के कलाईकोडा और उत्तर प्रदेश के आगरा एयरबेस पर हो रहा है। इसे कोप इंडिया 23 नाम दिया गया है। ईस्टर के त्योहार पर दिए मैसेज में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिसी ने रूस और यूक्रेन के लोगों के लिए दुआ करने की अपील की है। अपने संदेश में पोप ने उन देशों की भी सराहना की है जिन्होंने शरणार्थियों को पनाह दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने देश के नाम एक संबोधन में इस बात पर जोर दिया है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच पाकिस्तान भी रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है। वहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर खान ने कहा कि हम भी भारत की तरह रूस से तेल खरीदना चाहते थे, लेकिन हम नहीं खरीद पाए। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए टीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।